बताओ बहन, क्या मैंने गलत किया? मेरे भैया कभी गलत नहीं हो सकते। हेलो, मैं तुम्हारा खास दोस्त बोल रहा हूँ, राम शंकर। तुम सिर्फ एक पुलिस वाले हो। कितने अफसोस की बात है कि तुमने अपनी ही बहन के पति को जेल की हवा खिला दी। तुम्हें पता है कि इस वक्त वो कहाँ है? अपने ही घर में। मैंने उसे जमानत पर छुड़वा दिया है। असलियत तो ये है परशुराम, वो ट्रक सिर्फ तुम्हारे जीजा का था, उसके अंदर जो शराब थी वो मेरी थी। रामशंकर, उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी में 200 ट्रक है, हर ट्रक पर वो कैसे नजर रख सकता है? और उस दिन तो वो अपनी शादी कर रहा था, गलती से उसने एक ट्रक मेरे पास भेज दी और मौका पाकर मैंने उसमें तस्करी की शराब रखवा दी। अब वो तुम्हारा दुश्मन हो गया है क्योंकि तुमने उसे जेल भिजवाया। मैंने उसे जेल से छुड़वाया, अब तो वो मेरा दोस्त बन गया है। कहो कैसी रही? मेरे और तुम्हारे बीच तो जंग की शुरुआत अब हो चुकी है, लेकिन मेरी असलियत तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगी। क्या हुआ जी? मैंने बहुत बड़ी गलती की, पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। आओ नाश्ता कर लो। मैंने कहा ना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ए, इस तरह कब तक भूखे प्यासे बैठे रहोगे? जो हो गया उसे भूल जाओ, आओ नाश्ता करो। ए जी, उधर देखो। आइए मिस्टर परशुराम, वेलकम। क्या आप मेरे बेटे को दोबारा फिर से जेल भेजने के लिए पधारे हैं? गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको सच्चाई बताने आया हूँ और अपनी बहन को आपके बहू की हैसियत से आपके घर में छोड़ने के लिए आया हूँ। तुमने सैकड़ों लोगों के सामने हमारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया और अब अकेले में माफी मांगने आए हो? वाह सर, मेरी बात तो सुनिए। अरे शंभू, रामू, शामू, याओ। ए, तुम सब लोग कसम खा के बताओ कि मेरे बेटे को उसके रिश्तेदार के जरिए गिरफ्तार करके जेल भेजने की खबर तुम लोगों ने फैलाई कि नहीं? देखा तुमने, चारों तरफ खबर कैसे फैल चुकी है। बड़े घरों की खबरें किस तरह से जिन्हीं नौकरों के जरिए चारों तरफ फैलती है। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है कि तुम मेरे बेटे के पैर पकड़कर माफी मांगो और तब तुम्हारी बहन इस घर में बहू बनकर आ सकती है। खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? जाओ उसके पैर पकड़कर माफी मांगो, नहीं तो अपनी बहन को लेकर यहां से निकल जाओ। भैया देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा भाई इनके पैर पकड़कर माफी मांगे और आप अपनी बहू स्वीकार करेंगे तो यह हरगिज नहीं हो सकता। मेरा भाई शेर है और मैं इस घर की बहू बन पाऊंगी या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। चाहिए भैया, आपको हमेशा एक शेर की तरह ही रहना है। मेरी वजह से आप बेइज्जत मत होइए भैया। चलिए भैया, चलिए यहाँ से, चलिए, चलिए भैया। मुझे पता है प्रशांत। अच्छा, ये किससे गया? बिल्कुल आपके जैसा दिखता है। कुमारी, मैं कितनी बदनसीब हूँ कि अपने बच्चे को भी देख नहीं सकती। क्या मैं सारी जिंदगी ऐसे ही तरसती रहूंगी? मुबारक हो, तुम्हारी रिपोर्ट आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर फर्नांडिस ने एग्जामिन की है। तुम्हारा अगले महीने ही ऑपरेशन किया जाएगा, फिर तुम न सिर्फ अपने बच्चे को बल्कि सब लोगों को देख सकोगी। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू को लड़का होगा तो बालाजी जाके दर्शन करूंगी। और मेरे लिए क्या मांगा? अगर तेरी जिंदगी में फिर से खुशहाली आ गई तो बालाजी के मंदिर जाकर अपने सिर के बाल भी मुंडवाऊंगी, ऐसी मन्नत है। सर, प्रशांत घर जाना चाहता है। उसने अभी तक एडिटिंग पूरी नहीं की क्या? थोड़ी सी बची है, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है,
पहले अपना काम पूरा करो फिर जाओ, इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है। हेलो, मैं भवानी शंकर बोल रहा हूँ सर। एक हैप्पी न्यूज है। क्या न्यूज है? इस वक्त एसपी के घर में उसकी अंधी बीबी और बूढ़ी नौकरानी के अलावा और कोई नहीं है। गुड, वेरी गुड। सब तिरुपति गए हैं और कल दोपहर से पहले कोई वापस नहीं आएगा। अगर आप एसपी को किसी तरह से उसके घर जाने से रोक ले तो मैं उस अंधी औरत की आंखों की रोशनी वापस आने से पहले ही उसे खत्म कर दूंगा। मैं उस एसपी को रोक तो लूंगा, लेकिन उसके घर में कत्ल करना ठीक नहीं होगा। घर के अंदर हम दाखिल नहीं होंगे, विशाल घर के अंदर जाएगा। दूध जो रोज दूध देने आता है वो कहा है? कौन है? दूध ले लीजिए मैम साहब। हेलो सर, मेरी बात गौर से सुनिए। उसको झूठ मत समझिएगा, बहस मत करिएगा। आपके घर के दूध के पैकेट में जहर मिला दिया गया है। कौन बोल रहा है तुम? आपको यह जानने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि वो दूध को इस्तेमाल करे आप फौरन घर पहुंचिए। जल्दी कीजिए, इतना जल्दी हो सके। क्विक क्विक। हेलो बोल रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी ने दूध में जहर मिला दिया है। वो दूध फेंक दो, किसी को भी घर में वो दूध पीने के लिए मत देना, समझ गई ना? प्रशांत कुमारी, कुमारी हेलो हेलो माय गॉड,